नमस्कार इन साथी भी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। अज गुरदासपुर विच आए कोरोना पॉजिटिव तीन केस नवे। कपड़ा व्यापारी की पत्नी और नौकर भी आए कोरोना की चपेट में। जब गुरदासपुर की सेहत विभाग की टीम उन्होंने घर लैन पहुंची तो उन्होंने सेहत विभाग की टीम ने जाने तो इनकार कर दिता। उत्थे ही कोरोना के सिलसिले जानकारी देंदे हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मुहम्मद इशफाक ने दसिया कि अज गुरदासपुर कोरोना के तीन नवे मामले सामने आए हैं, जिस विच कपड़ा व्यापारी की पत्नी और दूसरा नौकर है। एक व्यक्ति बटाला का है। उन्होंने दसिया कि कुछ दुकानदार कोरोना सैंपल देने तो मना कर रहे थे, पर उन्होंने हिदायत की थी कि अगर किसी ने मना किया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उत्थे ही गुरदासपुर हुण 11 केस कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं, जिन्हों का इलाज चल रहा है। उन्होंने लोगों को अपील की कि वो 4 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो काफ़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसलिए गुरदासपुर वासी सेहत विभाग की टीम का सहयोग दें। गुरदासपुर के इस वेले हुण तक असी 4713 लोगों के सैंपल लै चुके हैं, जिदे 4245 लोगों के सैंपल नैगेटिव आए हैं। 322 सैंपल साढ़े जिहड़े ने रिपोर्ट अज असी भेजे ने सवेरे, वो रिपोर्ट अज शाम तक या कल आ जाएगी। तो हुण तक टोटल 148 केस पॉजिटिव होए ने, जिस 3 बंदे की डैथ हुई है। एक अपने गुरदासपुर संसार सिंह की डैथ हुई सी, 2 पेशेंट ऐसे ने जिहड़े कि हुशियारपुर के नाम से आए, गुरदासपुर के नाम से आए हैं, क्योंकि वो इलाज कराउण बाहर गए सीगे, उत्थे सीगे, परंतु क्योंकि इत्थे दे वासी सी उहना नाम आ गया है। तो साढ़े कोल टोटल इस वेले 13 केस एक्टिव ने, तो 13 दे विच्चों साढ़े 1 पेशेंट जिहड़े लोकल ने अमृतसर एडमिट ने, उत्थे इलाज कराउण गए सी, उत्थे सैंपल उहनां दा पॉजिटिव आया सीगा। अज उहनां दे परिवार दे 1 मैंबर होर पॉजिटिव आ गए ने, तो 1 उहनां दा जिहड़ा कोई मुलाजिम है वह पॉजिटिव आया। इस प्रकार असीं मंडियां दे विच एक सैंपल कराए सीगे जस्ट रैंडम सैंपलिंग वास्ते, तो उत्थों भी एक शुक्रपुरा का बटाला का एक बंदा पॉजिटिव आया। तो सो टोटल जिहड़े 13 केस ने, इन्हें 4 केस लोकल ने, 9 केस बाहरले यात्री ने, जिहड़े कि बाहरों कुवैत तो या महाराष्ट्र तो आए ने, वो साढ़े कोई क्वारंटाइन सेंटर च रुके हुए हैं। जिहड़े साढ़े लोकल 4 केस आए ने, ये 4 केस नूं बहुत गंभीरता नाल लैण दी लोड़ है। तो मेरी सारे शहर वासियों नूं यही अपील है कि जिहड़े लोकल इनफेक्शन है वह कुछ होई है, तो जे इहनूं आपां कंट्रोल करना है, एक तो मैं यही अपील करांगा कि जिहड़ी साढ़े टीमां ने, मैडिकल टीमां ने, हैल्थ टीमां ने, इहनां दे परिवार दे मैंबर साढ़े नाल कोऑपरेट करन। जो भी हैल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो पब्लिक की सेफ्टी तो इन्हों की सेफ्टी लिए कर रहा है। एक्चुअली कई बार की होंगे कि लोगों के मन च एक फीयर सर्कसिस बन जाता है, डर का माहौल बन जाता है। जो कोई सैंपल लेने कोई दर्द नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंगे, तो सगो फ्री सैम 4500 रुपये का सैंपल है जो कि फ्री होंगे है। सो कई बार अज्ञानता करके लोग करते हैं। तो कल मेरी मार्केट एसोसीएशन के प्रधान जी ने गल हो गई थी, उन्होंने बड़ी खुशी की गल है कि भरोसा दवाया कि सारे बंदे सैंपल देंगे, प्रशासन को कोई सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। और अज मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि सारे बंदे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो सैंपल लै रहे हैं, इसलिए कोई खास कंट्रोवर्सी इस वेल नहीं है। बेसिकली तो देखा जाए तो हम जो नवे गाइडलाइनज़ ने एरिया तो उदों ही कंटेन किया जाता है जो 15 बंदे पॉजिटिव आ जाते हैं, परंतु क्योंकि कंटैक्ट ट्रेसिंग करनी होंगी है, लोगों की एक बार पूरी पहचान करनी होंगी है, असं अपने 100 मीटर एरिया के घर के आसपास कर दें। जिमें असं इतने अपने घर के नेड़े किया हुआ जो लोकल पॉजिटिव आए हैं, तो हूँ जो पिंड का केस है, शुक्रपुरा का एरिया है, ये सारे करांगे। जिहड़े साढ़े यात्री बाहरों आए हैं, तो वैसे उन्होंने पिंड भी करते हैं, क्योंकि कई बार पता लगता है कि वो सीधे घर पहुँच जाते हैं, उन्होंने भी करते हैं। पर हुण जिहड़ी कंटेनमेंट जोन उदों ही बंद है जो किसी एरिया 15 बंदे बन जाए, पर जो कंटेनमेंट जोन है काफ़ी सख्त होंगे, 28 दिन वास्ते रहिंदा है, उत्थे फिर सारी जिहड़ी मूवमेंट है बंद हो जाती है। उत्थे जेकर गल करिए तो दुकानदार कोरोना नूं लैके सामने आ गए हैं, अते उन्होंने जिला प्रशासन नूं आश्वासन दिता है कि वह कोरोना पॉजिटिव का अपना टैसट करवाएंगे, जिसके चलदे उन्होंने वालों 15 के करीब अज गुरदासपुर हस्पताल विच कोरोना टेस्ट करवाने लई दुकानदार गए सन, जो उन्होंने संपर्क विच आए सन। उन्होंने पुलिस प्रशासन अते जिला प्रशासन नूं बेनती की है कि वो हमेशा ही जिला प्रशासन के नाल हन, पर जेकर कोई इस संबंधी गलत अफवाह फैलांदा है तो उस उपर कार्रवाई की जाए। गुरदासपुर के ਭਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ,
कोई भी इस तरह की गल ना करो जिहड़ा कोई भी गलत मैसेज फैले। अं ऐ कह रहे हैं कि पूरे दुकानदार सारे सहमत ने, जिन्हें दुकानदारों का टैसट वास्ते अज डीसी साहब ने जां हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिहड़ी लैटर सानू उत्थे भेजी सी, साडे दर्शन प्रधान जी नूं जिहड़ी लैटर भेजी सी, साडे प्रधान जी ने पूरे दे पूरे मैंबर उन्हां तों काफ़ी ज़्यादा तादाद दे विच मैंबर जिहड़े मैडिटोरियम स्कूल दे विच भेजे ने, उत्थे हुण टैसट उन्हां दा होणा सीगा। उत्थे अग्गों डॉक्टर साहब ने कहा वा भी इन्हां दा टैसट होस्पिटल होणा, अं मैडिटोरियम स्कूल से उत्थे जिहड़े भेजे सीगे ओह बंदे साडे उत्थे ही ने। उत्थे तकरीबन इन्हां ने सानू 10 बंदे दी लिस्ट भेजी सी, 10 दे उत्तों काफ़ी ज़्यादा बंदे गए ने, कई दुकानों के मुलाजम भी नाल गए ने, वो अपनी खुशी ना करान गए ने। अभी गुरदासपुर वासियों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जी मेनटेन रखो, मूँह तो मास्क ना लाओ, जे कोई ढाडी दुकान के उत्ते गाहक आता, अं फिर दोबारा यही कह रहे हैं बार बार, दुकान से गाहक आता उन्हें दूरी से बिठाओ, गाहक दोबारा भी आ जाना जे जे कोई करोना दे गया वो हाथ नहीं जे आना दोबारा। नहीं जिहड़ा मरीज जिहड़ा वो अमृतसर आ, उन्हां दे घर दे मेरा ख्याल एक वाइफ ते एक कोई उन्हां दा जिहड़ा मुलाजम आ, वो जिहड़ी सानू ताडे माध्यम दे राही पता लगा वा भी ये जिहड़े बंदे दो आए ने वह भी कितना कितने गए होणगे, कितने बैठे होणगे, कोई गलबात होएगी। अहीं ते कहिंदे भी टैसट कराने चाहिए सभ नूं जी।